दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में कार बेचना कितना डिफिकल्ट हो गया है, स्पेशली जब आप अपने कार का एक अच्छा कस्टमर और अच्छा रिसेल वैल्यू चाहते हैं। इसलिए दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना कार बेचना चाहते हैं तो कास्ट 24 पे बेचिए, क्योंकि कास्ट 24 आपके कार को ऑक्शन पे लगाते हैं, मतलब एक तरह से नीलामी होता है। उसके बाद जो भी हाईएस्ट बोली लगेगा आपके कार पे वो होगा आपका कार का प्राइस, मतलब कार्स 24 पे आपको मिलेगा हमेशा बेस्ट रिसेल वैल्यू, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों कार्स 24 वाले आरसी ट्रांसफर का भी कोई भी चार्जेज नहीं लेता है। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग कार का अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और देखिए दुनिया कैसी बोली लगाएगी आपके कार पे। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमेश कौशल और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज आप लोग को सिखाने वाले हैं कि किस तरह से भीड़ भाड़ में गाड़ी को चलाना चाहिए। तो हमारे साथ अभी फिलहाल हर्ष जी हैं और पीछे देख सकते हैं पप्पू जी। पप्पू है बोल दे एक बार। हाय। तो पप्पू जी का भी चैनल है यूट्यूब में जिनका नाम है पप्पू जी 20 मिलियन। पप्पू जी 20 मिलियन, ठीक है। तो आ जाइए भाई और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कितना भीड़ भाड़ जगह है, और अगर जब आप लोग फर्स्ट टाइम गाड़ी को चलाते हैं इस वक्त ऐसी जगह पे तो आप लोग को काफ़ी डर लगता होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आप लोग को डरना नहीं है ये सब सिचुएशन में। क्या करना है देखिए दोस्तों, जब कभी आपको ब्रेक दबाना हो तो क्लच और ब्रेक को दबा दीजिए और फर्स्ट गियर डाल के हल्का सा, ज़्यादा रेस लेके मत बढ़ाइए, ठीक है। ज़्यादा रेस लेके बढ़ाइएगा तो आपका गाड़ी जो है अचानक से तेज़ी से बढ़ेगा। सिर्फ धीरे धीरे क्लच को आपको छोड़ना है, वो भी हाफ क्लच छोड़ना, ठीक है। कभी कभी जो दोस्तों ऐसा जगह ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जैसे कि देखिए आप क्लच दबाए हुए हैं और जैसे हम क्लच छोड़ दिए तो गाड़ी हमारा थोड़ा सा रेस में ज़्यादा स्पीड चलने लगता है। तो उस वक्त जगह पे आपको कभी कभी हाफ क्लच में भी चलाना पड़ सकता है। तो हाफ क्लच में चलाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको रखना पड़ेगा, तभी आप भीड़ भाड़ जगह पे चला पाइएगा। और भीड़ भाड़ जगह पे दोस्तों हमेशा फर्स्ट और सेकंड गियर ही का यूज ज़्यादा करना पड़ता है। तो साइड पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि अचानक से कोई बाइक वाला आ गया वो चीज़ को ध्यान देखना, या देख सकते हैं गाड़ी है स्कूटी है रोड पर लगा के रखते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये लेडीज को आराम से पारो रे सब्जी पे ध्यान है, ना कि रोड पे ध्यान है कि कोई गाड़ी आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे नमूने, सब भारत में है, टेंशन मत लीजिए, ये सारे नमूने आप लोगों को भारत में देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे किस तरह करेंगे, अभी देखिए ये ऑल्टो मुझे पार करना है तो क्या करेंगे, ये वाला जिसे मूर्ति है अगर इससे हल्का सा साइड हो जाएगा तो उसके बाद आराम से आपका गाड़ी जो है बिल्कुल निकल सकता है वहाँ से। ये वाला आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है भीड़ भाड़ जगह पे, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड जजमेंट का वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप भीड़ भाड़ जगह पे अच्छी तरह से गाड़ी को चला पाइएगा। सबसे पहला बात कि दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ डर लगता होगा कि सामने में अगर कोई लेडी खड़ा है या कोई भी बाइक खड़ा है तो उस जगह से हम कैसे निकालेंगे। तो उस जगह से निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है आपको यहाँ पर एक जिस तरह से देखिए मूर्ति लगाए हुए हैं, तो आपको एक बीच में कुछ रखना है रेफरेंस पॉइंट। ये वाला जगह से आपका यदि गाड़ी निकल गया तो सोच लीजिए कि आपका गाड़ी बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से निकल जाएगा। भीड़ भाड़ में चलाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला बात कि आप लेफ्ट साइड जजमेंट का काफ़ी अच्छी तरह से सीख लीजिए कि किस तरह से लेफ्ट साइड जजमेंट करना है। वो वाला वीडियो देखना चाहता है दोस्तों तो इस आई वाला बटन पर आ रहा होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड जजमेंट किस तरह से करना है। अब मेन भीड़ तो यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए मैं बिल्कुल एक गली ऐसा गली घुसाऊंगा जहाँ के पूरा भीड़ रहता है, वो वाले मैं गली पे घुसाने वाला हूँ थोड़ी देर में। देखिए क्लच दबाएं हल्का हल्का, फिर हल्का हल्का ब्रेक दबाएं, फिर फर्स्ट गियर डाल दिए, तब जाके हमारी गाड़ी को हम फिर से यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकेंड गियर पर गाड़ी रहेगा और फिर से सोचिएगा आप उतना ही स्पीड से गाड़ी निकल जाएगा तो नहीं निकलने वाला है। सब चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, आगे पीछे दोनों मिरर को, ओआरबी मिरर को, आईआरबी मिरर को, ये सारा चीज़ को आपको देखते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। ये वाला जो गली है काफ़ी भीड़ रहता है, देखिए भाई साहब सामान ले जा रहे हैं दिवाली के बाद। अब यहाँ से ओवरटेक किस तरह करेंगे, देखिए ये वाला मूर्ति से अगर इधर गाड़ी हो जाता है तब हमारा गाड़ी निकल जाएगा, देखिए अब निकल जाएगा, देखिए निकल गया। तो इसी तरह से आपको जजमेंट करना है, देखिए आगे से कार आ रहा है तो वहाँ पर जगह है नहीं, तो यहाँ भी जहाँ आपको जगह मिलेगा उससे पहले आपको साइड लेके हल्का दबा देना है गाड़ी को। उसके बाद रिक्शा आ गया, तो इस रिक्शा से भी हमें मुझे फेस करना पड़ेगा अभी। बिल्कुल इस सब जगह पे हाफ क्लच का यूज ज़्यादा करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। देखिए सिर्फ हम हाफ क्लच छोड़ रहे हैं, गाड़ी को हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहा है, और बाएं साइड आपको ध्यान देना है
कि कोई कार से ना टकरा जाए। कार से तो टकराएगा ही नहीं बिल्कुल, जैसे कि ये वाला पॉइंट अगर निकाल लीजिए ना तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है कि उस जगह पे आप कार टच हो पाएगा। ठीक है, देखिए इसके सेंटर भी देखेंगे हम तो जो आगे जो ठेला लगा हुआ है बिल्कुल वहाँ पे सट सकता है, तो इसलिए हम स्लो हो जाते हैं धीरे धीरे। देखिए क्लच दबाए फिर रोक दिया हम गाड़ी को, बिल्कुल आपको ऐसा ऐसा चलाना है। एक बोलेरो आ रहा तो यहाँ पे हमको अच्छी तरह से साइड देना होगा, तो जितना साइड देने सकेंगे कोशिश करेंगे उतना साइड देंगे हम। अब बाय साइड में बाइक है तो बिल्कुल ध्यान देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे पैनिक नहीं होना आपको, ठीक है, डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी फंसा हुआ हम भी फंसे हुए इस जगह पे, आपको डरना नहीं है सबसे पहली बात। अब हल्का सा धीरे धीरे हल्का हल्का आपको गाड़ी को बढ़ाना है, हाफ क्लच पे हल्का हल्का गाड़ी बढ़ाना है, फिर रोकना है, ब्रेक दबाना है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी निकल जाएगा। देखिए वो साइड दे रहा है ड्राइवर, बता रहा है कि भाई आगे चलो। बड़ी चाचा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये सब जगह पे क्या होता है, काफी लोग आप लोग क्या करते हैं डर जाते हैं, तो डरना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है इस जगह पे। देखिए देखिए हम किस तरह से गाड़ी निकाले अपने, वहां पे हम फर्स्ट गियर डाले थे और आराम से गाड़ी खड़ा कर दिया था और एकदम हल्का सा क्लच को छोड़े थे, जैसे कि हल्का सा क्लच को छोड़े थे हम, ठीक है। और उससे भी ज्यादा दिक्कत होता है तो आप एसी को बंद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका गाड़ी में पावर ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगा। ठीक है, बच्चा वहां पे है, ये लोग थोड़ा दिक्कत है कि हमेशा बच्चे लोग को रोड साइड पे रखते हैं पकड़ के। जहां पे थोड़ा मौका मिलेगा तुरंत गाड़ी को थोड़ा सी स्पीड बढ़ा के फिर रोकना है आगे। अब यहाँ पे रिक्शा है तो मैं यहाँ पे अंदाज लगा लूंगा कि यहाँ से मेरा हमारा गाड़ी जो है बिल्कुल पार हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए धीरे धीरे हम, ये जो आपको स्टीयरिंग सेंटर दिखाई दे रहा ना, ये अगर निकल जाएगा तो सोच लीजिए कि आपका कार भी बिल्कुल निकल जाएगा, बस आपको दोनों ओआरवी मिरर को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। थैंक यू भाई, थैंक यू साइकिल भाई, कितना मदद कर रहे हैं मेरे को देख सकते हैं। आपको एक दो लोग ऐसा मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आगे जाइए, मतलब इशारा करेंगे कि जाओ जाओ भाई, ठीक है। ये वाला टेम्पो भाई दिक्कत कर रहा है, तो ऐसी जगह पे क्या होता है दोस्तों, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि यार आगे पीछे गाड़ी जब हॉर्न दबाने लगता है चारों तरफ से, तब आप लोग को थोड़ा क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप लोग डर जाता है। तो डरना ही नहीं है सबसे पहला बात, कि इस सब जगह पे आपको बिल्कुल एक नहीं बोलते हैं जो ऐसा लड़का जो डरे ना, वैसा लड़का का यहाँ पर ज़रूरत है। सभी खड़ा रहेंगे तो भाई हम भी खड़ा रहेंगे, सबसे पहले अच्छी यही बात अच्छा ही है। देखिए वो टेम्पो अब साइड ले लिया, अब वो कार को हम थोड़ा निकलने देते हैं। हाँ ये चीज़ नहीं करना है कि भाई वो घुसा दिया तो मैं भी वहाँ पे घुसा कर रख दूंगा गाड़ी को, ठीक है, जाम कर दूंगा, वो चीज़ नहीं करना है। धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये है कि धीरे धीरे मार्केट क्लियर हो जाएगा। देखिए सभी को जाम में फंसा हुआ है, उस साइड से एक इंडिका आ रहा था जिसके कारण इधर ओमनी भी घुस गया है, तो वहाँ पर मार्केट जाम लगी है। इस टेम्पो के भी कारण रोड जाम लग चुका है और इस भाई के कारण भी रोड जाम लग चुका है। टक ओ भाई बाइक थोड़ा साइड करो यार, देखिए कुछ लोग होते हैं इस तरह से, आपको मिल जाएगा देखने को, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, बाइक साइड नहीं करेंगे और वो रॉन्ग साइड में है। सबसे पहला बात उनका दिक्कत ये है कि वो रॉन्ग साइड में है। देखिए भाई आए, ऐसा सिचुएशन जब भी आएगा दोस्तों आपको कंटिन्यू हॉर्न बजाते रहना है, जिससे कि अगला गाड़ी को समझ में आएगा कि पीछे कोई गाड़ी था, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। ये वाला गाड़ी यार गजब कर रहा है, अगर मुझे पीछे जगह मिले, पीछे भी नहीं कर सकते, देखिएगा बैक कैमरा यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सटा हुआ स्कूटी, और यहाँ पे एक बाइक वाला है, अगर हम पीछे करते हैं तो उन लोगों को चोट लग सकता है, इसलिए गाड़ी आपको पीछे करना ही नहीं, जहाँ पे वहीं पर रहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मुझे हल्का से पीछे करना ही होगा, क्योंकि
क्योंकि इस टेम्पो वाले का कोई भरोसा नहीं, कभी भी पीछे वो लुढ़क सकता है। तो अब ये देखिए हल्का सब धीरे धीरे पीछे जाने का कोशिश करेंगे। एक साइड टेम्पो लगा है, एक साइड यार कार लगा दिया है, अब किधर जाए यार। उसको जाके बोलो ना पप्पू क्या कर रहा हूँ, देख के खोला गेट। उसको बोलो साइड बाएं साइड करेगा। तो पप्पू जी जा रहे हैं उनको समझाने के लिए, भाई अपना यार खड़ा करके रखना है तो भाई बाएं साइड में खड़ा करके रखो यार। पप्पू जी बोल रहे देख सकते हैं, चलो यार साइड करो अपने कार को। तो इस तरह से भी आपको फेस करना पड़ेगा, अगर आप दो लोग हैं तो एक लोग को उतरना भी पड़ सकता है कभी कभी, और आगे वाला भाई सबको समझाना पड़ेगा भाई इस तरह से जो आप गाड़ी चला रहे हो आप गलत तरीके से चला रहे हो। ये बाइक वाला तो यार परेशान करके रखा है। कहाँ पांडे जी, पूरा सो गए थे लग रहा है, नींद से उठे भाई साहब। तब से लगा के सो गए थे। देखिए ऐसी जगह पे तो बहुत लोग अपने कार को लेके जाते ही नहीं है, बट यहाँ भी बहुत सारे लोग अपने कार को लेके नहीं आते हैं, बट आपको समझाने के लिए हम आए थे कि किस तरह से भीड़ भाड़ जगह पे आपको चलाना है। तो बस देख सकते हैं कि कितना जाम में अभी फंस गए हम, एक बाइक का लाइन लग गया है, दूसरा इधर टेम्पो का। मेरा चश्मा तो दीजिए, तो ए वहाँ से दीजिए ना। तो पप्पू भाई का चश्मा छूट गया, फेस में दिखना चाहिए। सेलिब्रिटी। आगे जगह है थोड़ा ना, करते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम। चाचा पीछे जाइए, सही बता रहा है ये भाई साहब, सही बोल रहे चाचा पीछे जाइए। तो देख सकते हैं वो चाचा क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अपना सब्जी वब्जी लेके साइकिल पे बिल्कुल खड़ा है मेरे आगे। तो यहाँ पे आप क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट गियर डालना है और हल्का सा उसको डराना भी है, ठीक है। तो हल्का हल्का गाड़ी को बढ़ाना है, जैसे देखिए हल्का हल्का बढ़ाएंगे हम तो चाचा को डर लगेगा, देखिए आप डर लग रहा है उनको, वो पीछे हो रहे हैं ना, तो ऐसे खड़ा रहेंगे, देखिए हल्का सा पीछे किए, देखिए अब वो भागेगा बिल्कुल, चाचा जी डर गए हैं। इसीलिए जब आप देखिए कि वो बिल्कुल हिल रहा है वो इंसान, तो उसको हल्का सा डराना है, ज़्यादा नहीं, ये मतलब नहीं कि चढ़ा देना, ठीक है, हल्का सा डराना है, जैसे कि हल्का सा आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहना, हल्का से करेंगे तो वो देखिए ये भाई साहब ठोक रहे हैं टेम्पो को। ओ चाचा चाचा जी जल्दी में है, बस ये हल्का से जाम से अगर निकल जाए हम तो निकल ही सकते हैं। एक्चुअली छठ पूजा है सामने, इसलिए सारे कोई मार्केटिंग करने के लिए आए हैं। देखिए वो बाइक वाला घुसा सकता है एकदम बिल्कुल, इसीलिए उससे पहले हमको धीरे धीरे अपने कार को उसके आगे ले जाना है, उसको जगह ही नहीं देना है। उसको अगर हम जगह दे देंगे तो बाइक वाला क्या करता है, बिल्कुल सामने की ओर ले आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक बाइक है, तो आपको लगे कि वो बाइक के उससे टच हो सकता है क्या, तो इससे कैसे आप अंदाजा लगाइए कि उस बाइक से मुझे टच ना हो गाड़ी को। तो सबसे पहले आप ये चीज़ को जरूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इंसान पार हो जाए उस जगह पे तो इसका मतलब समझ जाए कि उस जगह पे इतना अभी भी गैप है, तो वहाँ पे आपका कार बिल्कुल सटने का संभावना नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि इस सब जगह पे आप अपने कार को ना लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है वेस्टेज ऑफ फ्यूल, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, और फ्यूल का भी ज़्यादा खपत होता है। इसलिए अगर कहीं फंस गया है तो वो ठीक है,
अदरवाइज जानबूझ के इस तरह से कार मत ले जाइए इन सब गलियों पे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो गया, और अगर कोई कार आपका टच कर दे तो वो भी दिक्कत है, और फ्यूल तो ज़्यादा ख़त्म होगा ही। ये लड़का यार बहुत मेहनत कर रहा है मेरे लिए। उसको होटल लेके जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्पीड में आपको गाड़ी को नहीं चलाना है, बिल्कुल आपको धीरे धीरे चलाना है और आराम से चलाना है। देखिए हाफ क्लच में चला रहे हैं, यहाँ पे हाफ पे एक पांव जो है ब्रेक पर रखे हुए हैं और बिल्कुल हाफ क्लच में गाड़ी को यहाँ पे चला रहे हैं, फिर क्लच दबाएं, फिर हाफ क्लच छोड़ें, ठीक है। इस तरह से आपको धीरे धीरे पार होना है। तो ठंडा में भी भाई गर्म हो जाता है ये सब जगह पे, ठीक है। ठंडा है लेकिन गर्मी लग रहा है ये सिचुएशन देख के। अभी तो हाफ ही पार हुए हैं और हाफ अभी पार होना बाकी है। तो काफ़ी देर के बाद दोस्तों इस तरह से हल्का सा रोड मिला है जो खाली खाली है। लगभग एक घंटा हो गया कि मुझे इस तरह से रोड का सामना करना पड़ा। तो अभी भी कम से कम 100 मीटर दूरी है जो मेन रोड निकलने के लिए, उसके बाद ही हम इस रोड से छुटकारा पा सकते हैं। अब लगभग लगभग निकल गया जाम से दोस्तों। और ये चाचा जी किधर जाना है आपको, लेफ्ट और राइट? टाइम आ गया चाचा जी का, एक घंटा मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर होगा, लेकिन मुझे लग गया 1 घंटा पूरा। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना ज़्यादा क्राउड था, कितना ज़्यादा भीड़ था उस जगह पे, और क्या सिचुएशन मुझे झेलना पड़ा। तो आप लोग भी दोस्तों अगर इस ऐसा जगह पे गाड़ी को चलाते हैं तो बहुत ही आपको सावधानी से चलाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आपके पीछे से आपको बहुत ज़्यादा गाली देते होंगे, भाई बढ़ाओ बढ़ाओ, ठीक है, और हॉर्न दबाते रहते हैं। तो उस सब जगह पे आपको पैनिक नहीं होना है, कोई भी रो यार, कोई भी गाड़ी वहाँ खड़ा है आगे, कोई भी कितना भी जाम है, बस आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है, आपको भी उस तरह से बनना होगा, बिल्कुल खड़े रहिए, ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, कोई भी कितना हॉर्न बजाए बजाते रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कोई भी गाड़ी से पार होना है, जिससे कि आगे सभी डेट की वहाँ पे टेम्पो लगा था तो वहाँ पे आप किस तरह से पार होइएगा, तो ये वाला सिचुएशन अगर पार हो जाए, पार कर लीजिएगा हाफ ये वाला पॉइंट रिफ्रेंस पॉइंट को, तो बिल्कुल उस जगह पे आपका गाड़ी निकल जाएगा। और ज़्यादातर इन सब जगह पे फर्स्ट और सेकेंड गियर देख सकते हैं भाई, ये बेल कितना बड़ा बड़ा सिंग है, ठीक है। तो उस सब जगह पे आपको क्या करना है दोस्तों, हाफ क्लच का यूज ज़्यादा करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बार बार ही हाफ क्लच यूज करने से क्या होता है, आपका क्लच प्लेट जलने का संभावना ज़्यादा रहता है, तो अवॉइड कीजिए ऐसा जगह पे आपके गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको कोई मार्केट मिले या आपको जाना पड़े मार्केट इस तरह से भीड़ भाड़ में, तो इस सब जगह पे आपको ज़्यादा आपका कार को लेकर ना जाना है, उस सब जगह पे आपका बेस्ट है स्कूटी बाइक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी कमेंट है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स से जाके कमेंट क्या कीजिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।